students welcome back to your maths class students in last class we have completed till the question number 4 from the exercise 13.5 and in today's class we are going to solve the remaining questions from the same exercise and in today's class i'm going to solve question number 6 7 8 9 subpart a and question number 10 subpart a okay and i want you to solve the remaining questions on your सो so, कल के क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर फोर तक कंप्लीट किया था तो उसमें हमने सीखा था कि दो डेट्स के बीच में आ, कितने दिन आते हैं जैसे कोई भी दो डेट्स दी है जैसे कि यहाँ पे फिफ्टीन अप्रैल टू थर्टी अप्रैल दी तो इन दो डेट्स के बीच में कितने दिन आते हैं वो कैसे कैलकुलेट करना है दैट वी हैव लर्न इन लास्ट क्लास एंड and in today's class what we are going to learn in today's class we are going to find अ uh, the date before or after some days हमें date पता करनी है date अगर कितने दिन अ एक date दी होगी उस दिन उस date के बाद पंद्रह दिन बीस दिन या उस दिन के बाद दस दिन या दस दिन पहले या दस दिन बाद वाली डेट पता करनी है जैसे हमें एग्ज़ाम्पल दिया है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अप्रैल के दस दिन बाद क्या तारीख आएगी दस दिन बाद क्या डेट आएगी या ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अप्रैल के दस दिन पहले क्या तारीख थी ऐसे हमें फाइंड आउट करना है और वो कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल्स में सीखने वाले कल के एग्ज़ाम्पल्स में हमने सीखा था कि दो डेट्स दिए हैं और उन दो डेट्स के बीच में उन दो डेट्स के बीच में कितने दिन आते हैं वो हमने फाइंड आउट किए थे आज के एग्ज़ाम्पल्स में हम क्या करेंगे आज के एग्ज़ाम्पल्स में हम एक कोई पर्टिकुलर डेट दी होगी जैसे कि मैंने बताया ना ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अप्रैल तो ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अप्रैल के दस दिन पहले या दस दिन बाद क्या डेट आएगी पंद्रह दिन पहले या पंद्रह दिन बाद क्या डेट आएगी वो डेट कैसे फाइंड आउट करते ये हम आज के क्लास में सीखेंगे ओके okay? So let's start with the first example, example number six. Manas joined his duty in an office on 9th October. After 20 days, he was transferred. Find the date of his last day in office. So Manas joined his office on 9th October. And 9th October, 20 days. After he was transferred, so 20 days after 9th October he was transferred. Now we have to find the date 20 days after the 9th October. हमें पता करना है कि नाइन्थ October के ट्वेंटी डेज बाद कौन सी डेट आती है नाइंथ अक्टूबर को उसने ऑफिस ज्वाइन किया और नाइन्थ October के बीस दिन बाद उसके ट्रांसफ़र हुई है मानस की सो so, बीस दिन बाद कौन सी डेट आती है वो हमें पता करना है सो फाइंड द डेट ऑफ हिज लास्ट डे इन ऑफिस मतलब वो वाली डेट हमें पता करनी है सो स्टार्ट राइटिंग द डाटा विच एवर इज गिवन इन योर क्वेश्चन फर्स्ट डाटा नाइन्थ अक्टूबर क्या है द डेट ऑफ द डेट व्हेन मानस जॉइंट द ऑफिस सो राइट डेट ऑन विच मानस ज्वाइंट ऑफिस इज नाइन्थ ऑक्टूबर नेक्स्ट Next, what is the uh, what data they have given? The next data is he got transferred after twenty days. So, likho Manas was transferred after how many days? Twenty days. And what we have to find in this question? We have to find the date on which uh, the date of his uh, what uh, over here we have to find the last date. और लास्ट डे ऑफ मानस सॉरी ओवर हियर वी हैव टू फाइंड द डेट ऑफ मानस लास्ट डे इन ऑफिस मानस का ऑफिस का लास्ट डे कौन सा है वो हमें पता करना है द डेट ऑफ द मानस लास्ट डे इन ऑफिस वी हैव टू फाइंड ओवर हियर दैट इज वाई क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट स्टार्ट सॉल्विंग सो नाइन्थ अक्टूबर को उसने ज्वाइन किया उसके बीस दिन बाद उसको ट्रांसफ़र हुआ है तो उसके बीस दिन बाद ट्रांसफ़र हुआ है मतलब नाइन अक्टूबर के बाद और ट्वेंटी डेज ऐड करेंगे तो हमें वो डेट क्या मिलेगी वो डेट मिलेगी जिस दिन उसका ऑफिस में लास्ट दिन था तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा नाइन्थ ऑफ अक्टूबर मतलब नाइन प्लस ट्वेंटी डेज करेंगे तो वी कैन फाइंड द डेट ऑन विच इट वॉज हिज लास्ट डे इन ऑफिस सो करो शुरू डेट ऑफ मानस लास्ट डे इन ऑफिस इज इक्वल टू नाइन नाइन्थ ऑफ अक्टूबर को आया था ना वो तो नाइन नाइन के आगे और ट्वेंटी डेज दैट मीन्स नाइन प्लस ट्वेंटी आफ्टर ट्वेंटी डेज है ना दैट्स वाई वी हैव टू एड ट्वेंटी नाइन प्लस ट्वेंटी इट इज गोइंग टू बी ट्वेंटी नाइन डेज सो ट्वेंटी नाइन्थ डे ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी नाइन्थ डे ऑफ अक्टूबर मतलब ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अक्टूबर तो डेट क्या मिली हमें ट्वेंटी नाइन्थ तो लिखो द डेट ऑफ मानस लास्ट डे इन ऑफिस वॉज ट्वेंटी नाइन्थ ऑक्टोबर मानस का ऑफिस का लास्ट डे कौन सा है लास्ट डे है ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 7 अशोक रिटर्न अ लाइब्रेरी बुक ऑन फोर्थ जून आफ्टर फोर्टीन डेज ऑन व्हाट डेट वाज इट इशूड टू हिम तो यहाँ पे अशोक है जिसने एक लाइब्रेरी से बुक ली है इशू करी है और उसने वो जो बुक है वो फोर जून को रिटर्न करी है ही रिटर्न डेट बुक ऑन द फोर्थ जून और कितने दिन बाद रिटर्न करी है उसने फोर्टीन डेज बाद रिटर्न करी है द बुक वॉज रिटर्न आफ्टर द फोर्टीन डेज ओके आफ्टर द इशूइंग दैट बुक इशू करने के चौदह दिन बाद वो बुक क्या हुई है रिटर्न करी है और रिटर्न करने वाली डेट पता है फोर्थ जून नाउ वी हैव टू फाइंड द डेट ऑन विच द बुक वॉज इशूड यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक बुक है जो फोर्थ जून को रिटर्न करी है और उसके चौदह दिन पहले वो बुक इशू हुई है द बुक वॉज इशूड फोर्टीन डेज़ बिफोर फोर्थ ऑफ जून फोर्थ ऑफ जून के फोर्टीन डेज पहले यह बुक इशू हुई है दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द डेट फोर्टीन डेज बिफोर फोर्थ जून फोर्थ जून के फोर्टीन डेज पहले कौन सी तारीख आती है कौन सी डेट आती है वो हमें पता करना है सो आंसर राइट डाउन द डाटा गिवन फर्स्ट डेट ऑन विच बुक वॉज रिटर्न कौन से डेट पर रिटर्न किया है बुक को फोर्थ जून राइट डाउन बुक वॉज रिटर्न आफ्टर हाउ मेनी डेज बुक वॉज रिटर्ड आफ्टर फोर्टीन डेज ना वॉट वी हैव टू फाइंड अवर डेट ऑन विच बुक वॉज इश्यूड द डेट ऑन विच बुक वॉज इशूड दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन मार्क सो हमें यहाँ पे क्या पता है फोर्थ जून को रिटर्न की है और उसके चौदह दिन पहले इशू की है फोर्थ जून के चौदह दिन पहले इशू की है तो फोर्थ जून के चौदह दिन, so, दिन पहले क्या तारीख है क्या डेट है वो फाइंड आउट करनी है सो लेट स्टार्ट सॉल्विंग द एग्जाम्पल तो पहले आप देखो जून के फर्स्ट फोर डेज डेज इन जून हाउ मैनी डेज इन जून इट वॉज इशूड डेज इन जून होते हैं चार फोर डेज ओके दोज फोर डेज ऑफ जून यू हैव टू काउंट देन फोर डेज ऑफ जून यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दो फोर डेज फ्रॉम द फोरटीन डेज ये जो फोर्टीन डेज है जिसमें वो फोर्टीन डेज पहले इशू हुई थी ये जो जून महीने के चार दिन हैं वो उस फोर्टीन में से कम कर दो सो रिमेनिंग डेज में आएगा फोर्टीन माइनस फोर रिमेनिंग डेज इज़ इक्वल टू फोर्टीन माइनस फोर दैट इज गोइंग टू बी टेन डेज ओके जून महीने की कितनी तारीख तक उसके पास बुक थी जून महीने की चार तारीख तक उसके पास बुक थी दैट इज़ वाई डेज इन जून जब तक उसके पास बुक थी दोज व फोर डेज और जो चौदह दिन उसके पास बुक रही है उसमें से जून महीने के चार दिन कम कर दो सो रिमेनिंग डेज इज़ इक्वल टू फोर्टीन डेज क्योंकि चौदह दिन पहले उसको इश्यू हुई है तो चौदह दिन उसके पास बुक थी तो चौदह दिनों में से जून के जो चार दिन उसके पास बुक थी वो माइनस करो फोर्टीन माइनस फोर टेन डेज ओके टेन डेज अभी ये टेन डेज जो है वो जून के पहले कौन सा महीना आता है मई तो मई के जितने भी टोटल डेज आते हैं मई के जितने भी दिन आते हैं उनमें से ये टेन डेज क्या करने हैं हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं क्योंकि हमें पहली वाली तारीख पता करनी है है ना पास्ट वाली तारीख पता करनी है आफ्टर वाली होती तो हम ऐड करते पहले वाली है इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सो मे मे इज़ द मंथ ऑफ थर्टी वन डेज हाउ मेनी डेज आर देयर इन मे मंथ इन मे मंथ देयर आर थर्टी वन डेज दैट इज़ वाई वी विल सब्ट्रैक्ट दिस टेन डेज फ्रॉम थर्टी वन मे महीने के जितने भी दिन हैं टोटल दिन उनमें से ये टेन डेज माइनस करो सो डेज इन मे इज़ इक्वल टू थर्टी वन माइनस टेन दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी वन थर्टी वन माइनस टेन आएगा ट्वेंटी वन दैट मीन्स ट्वेंटी वंथ डे ऑफ मे द बुक वॉज इशूड मे महीने के ट्वेंटी वंथ डे को क्या हुआ था बुक इशू हुआ था तो ट्वेंटी वन डे ट्वेंटी फर्स्ट सॉरी ट्वेंटी फर्स्ट डे ऑफ मे मीन्स कौन सी तारीख होगी ट्वेंटी फर्स्ट मे द डेट इन मे वेन बुक वॉज इशूड इज ट्वेंटी फर्स्ट मे मे के ट्वेंटी फर्स्ट तारीख को बुक इशू हुई थी पता चल गया आपको जून के पहले चार दिन आपको माइनस करने हैं टोटल चौदह दिनों में से क्योंकि चौदह दिन पहले बुक इशू हुई थी तो जून के पहले चार दिन माइनस करो क्योंकि जून के चार तारीख को फोर्थ ऑफ जून को बुक वाज रिटर्न दैट्स वाई फर्स्ट फोर डेज ऑफ जून वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फोर डेज ऑफ जून फ्रॉम द फोर्टीन डेज ओके फोर्टीन माइनस फोर टेन डेज देन द टोटल नंबर ऑफ डेज इन मे मंथ इज इक्वल टू थर्टी वन सो फ्रॉम दो थर्टी वन यू हैव टू सब्ट्रैक द रिमेनिंग डेज सो रिमेनिंग डेज वर टेन थर्टी वन माइनस टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी वन सो ऑन द ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मे बुक वॉज इशूड कब इशू हुई है बुक उसको ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मे को इशू हुई है write your answer in words book was issued to ashok on 21st may now question number 8 india got independence on 15th august 1947 write this date in short form so they have given us one date that is 15th अगस्त 1947 वी हैव टू राइट दिस डेट इन शॉर्ट फॉर्म तो ये फिफ्टींथ क्या है इट इज द डेट अगस्त क्या है इट इज मंथ एंड 1947 फोर्टी सेवन इज द ईयर तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखो फिफ्टींथ अगस्त 1947 फोर्टी सेवन फिफ्टींथ ऑगस्ट फिफ्टींथ इज द डे ऑगस्ट इज द मंथ एंड नाइनटीन फोर्टी सेवन इज द ईयर सो जब शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं किसी भी डेट का तो पहले आएगा डे ओके नेक्स्ट आएगा मंथ एंड लास्ट में लिखेंगे ईयर सो फिफ्टीन डॉट एट डॉट नाइनटीन फोर्टी सेवन ऐसे शॉर्ट फॉर्म में डेट लिखते हैं कोई भी डेट को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं पहले आएगा डेट नेक्स्ट आएगा मंथ और नेक्स्ट आएगा ईयर ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन सब पार्ट ए राइट इन द शॉर्ट फॉर्म सो वी हैव टू राइट द गि डेट्स इन दॉर्ट फॉर्म फर्स्ट सब पार्ट ए फिफ्थ सप्टेंबर नाइनटीन एटी फाइव फिफ्थ सप्टेंबर नाइनटीन एटी फाइव सो हियर फिफ्थ इज द डे सेप्टेंबर इज द मंथ नाइनटीन एटी फाइव इज द ईयर तो इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा फाइव सप्टेंबर सप्टेंबर मतलब इसका नंबर क्या आएगा रैंक क्या आएगा मंथ्स में फर्स्ट मंथ इज जनवरी सेकेंड फेबर थर्ड मार्च ऐसे करके आपको पता करना है जनवरी फेबर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर सितंबर कम्स ऑन नाइन्थ नंबर दैट मींस सितंबर के जगह हम नंबर लिखेंगे नाइन सो फाइव फिफ्थ है तो फाइव लिखो फिर डॉट लगाओ अभी मंथ लिखना है सितंबर के जगह जाएगा उसका नंबर ऑर्डिनल नंबर लिखो सितंबर का द ऑर्डिनल नंबर फॉर द सितंबर इज नाइन या आप काउंट करके भी लिख लो जनवरी से लेके सितंबर का नंबर कितना आता है सो फाइव डॉट नाइन डॉट ईयर एज इट इज लिखो 1985 इन दिस वे वी हैव टू रिप्रेजेंट द गिवन डेट इन द शॉर्ट फॉर्म सो व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फिफ्थ सितंबर नाइनटीन इट इज़ फाइव डॉट नाइन डॉट नाइनटीन एटी फाइव नाउ क्वेश्चन नंबर टेन अब हम इसमें लॉन्ग फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म को लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे इन दीज क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन वी हैव टू राइट द गिवन डेट इन दी लॉन्ग फॉर्म सो सब पार्ट ए इज टू डॉट टेन डॉट नाइनटीन एटी थ्री सो टू मतलब सेकेंड आएगा कौन सा डे आएगा सेकेंड तो उसको लिखो टू एंड ऊपर सेकेंड ओके सेकेंड टू मतलब डे है ना इट इज द डे इट रिप्रेजेंट्स डे टेन रिप्रेजेंट्स मंथ एंड दिस रिप्रेजेंट्स योर ईयर सो टेन टेन इज द मंथ तो टेंथ मंथ कौन सा आता है देखो काउंट करके टेंथ मंथ कौन सा आता है जनवरी फेबर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त September, October. so on tenth number there comes the month अक्टूबर अक्टूबर is the tenth month of the year. ईयर का दसवां महीना कौन सा होता है साल का दसवां महीना अक्टूबर होता है तो सेकेंड के बाद लिखेंगे अक्टूबर और ईयर एज इट इज लिखो 1983. Second सेकेंड अक्टूबर 1983. एटी थ्री सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद द एक्सरसाइज थर्टीन And if you have any doubts or queries related to this exercise, you can ask me. Till then, thank you. Have a nice day.